साथ में यहाँ पर जो पुजारी है उनकी तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर के जो प्रभु है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि कृष्ण का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, भक्ति और आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में ये जो भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से ये उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में भक्तों की संख्या यहाँ, भक्त लोग उमड़े हुए हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में। और इस नंदोत्सव पर, जन्मोत्सव पर मैं केवल कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि नंद के भवन में आनंद सो छाए रहो, जन्म की आई रेल नंद के दुलाल की, सवराओं हर कोई आनंदित दिख रहे हो, लीला देखो ऐसी है लाला के कमाल की, कि नंदराम खुश भयो तन को उदय रहो, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, भाई हम दे देवे बधाई जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। तो शिला प्रभुपाद की इस कृपा से हम देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन चल रहा है, भक्त नृत्य कर रहे हैं और यही कलयुग की एकमात्र दवाई है, औषधि है, जिससे हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। नाम अगर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा, सुबह से शाम अगर लिया तूने कृष्ण नाम, दुख का दामन तो दूर हट जाएगा, कृष्ण से लगा ले डोर, कृष्ण की पकड़ छोर, चार खुशियों का मंजर तू पाएगा, तन मन धन और जीवन हो कृष्ण नाम, तो अंत काल कृष्ण के धाम को तू जाएगा। अगर हम रोजाना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो कि शास्त्रों में बताया गया है, ये जो 16 शब्दों का नाम है, इति षोडशकम् नाम नाम कली कलमस नाशनम नाता परत पाया सर्वेदेषु दृश्यते, अगर हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी कलमस हैं, उनका नाश हो जाता है। और कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जो भी आज इस कार्यक्रम को इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाएं, रोजाना इस महामंत्र का जप करें। ये बात निश्चित है कि कुछ ही समय में 7 दिन के अंदर आपको ये महसूस हो जाएगा, अगर आप रोजाना इस मंत्र का जप करते हैं कम से कम 108 बार, तो आपको इसका जो सकारात्मक परिवर्तन है आप 7 दिन के अंदर ही महसूस करेंगे। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः सबको मैं श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये नासिर जयपुर से, नजारे अक्षय पात्र से, हरे कृष्णा।